पब्लिक टीवी आपकी आवाज। तीन वर्षों से अधिक समय तक जिला मुख्यालय पर कार्यरत बाबुओं के तबादले किए गए। कलेक्ट्रेट विभाग में तैनात 2 दर्जन से अधिक बाबुओं के तबादले होने से कर्मचारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। शासन के आदेश के बाद जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने 3 वर्ष से अधिक समय से कलेक्ट्रेट पर तैनात बाबुओं के कार्य क्षेत्रों में फेरबदल किया है। लगभग 30 कलेक्ट्रेट कर्मचारियों के कार्य क्षेत्रों में फेरबदल किया गया है। स्थानांतरण के विषय में जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत राज्य सरकार से आदेश आए हैं, उसी पर काम किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट में कुछ बाबू के ट्रांसफर किए गए हैं, कितने साल से यहाँ तैनात थे और किस मंशा से किए गए हैं? देखिए, राज्य सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत जो राज्य सरकार से आदेश आए हुए हैं, कोई भी लिपिक एक पटल पर 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकता है। और पूर्व में ट्रांसफर अधिकतर कर दिए गए थे इस पॉलिसी के तहत, परंतु पुनः आदेश आया है शासन का कि जो पटल परिवर्तन किए जाएं, उस लिपिक पर पहला पटल नहीं रहना चाहिए, संबद्ध कर दिए थे कुछ पहले, दोनों पूर्व वाला पटल नहीं रहना चाहिए, उसको दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा पटल परिवर्तन किए गए हैं। तो ये शासन की नीति के तहत और उनका प्रमाण पत्र जिलाधिकारी महोदय की तरफ से 25 तारीख तक जाना है। सर, लगभग कितने लोग थे ऐसे जो इसमें चिन्हित किए? इस तरह के 10-15 लोग थे जिनका पटल परिवर्तन किया गया है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।